दोस्तों नमस्कार, कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक नई जानकारी लेकर, मित्रों जो स्कोर कार्ड जारी होना था आज डेट 3 जुलाई को, वह जारी हो गए हैं। वह कैसे चेक करें यह जानने के लिए आप हमारा पूरा वीडियो देखें। और सबसे पहले हम देखते हैं कि गूगल पर आते हैं, गूगल में हम यहाँ पर टाइप करते हैं GFMS और इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही जैसे ही पहली जो लिंक आती है, इस लिंक पर आप देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ। इस पर क्लिक करते ही यह हमारा होम पेज आ जाएगा। इस होम पेज में देखिए हम इसे स्कोर करते हैं, नीचे जाते हैं और जाते हुए यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर लिखा होगा स्कोर कार्ड, अभ्यर्थी अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करें। इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक नई लिंक ओपन हो जाती है अतिथि शिक्षक प्रबंध प्रणाली की। इंटर आधार नंबर, यहाँ पर मैं आधार नंबर अपना डालता हूँ। पुनः आधार नंबर डालना है और मैं अपना इंटर कर देता हूँ आधार नंबर। इसके बाद में यूज़र नेम यानी जो मोबाइल नंबर है वह डालना है। और इसके बाद में फिर जो कैप्चा बना हुआ है, इस कैप्चा को हमको डालना होगा। और गेट फैकल्टी स्कोर कार्ड पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप देखिए यहाँ पर जो पेज ओपन हो रहा है, मध्य प्रदेश शासन का लोगो दिखाई दे रहा है। इस पर ये पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देने लगेगी। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्वालिफिकेशंस, सब्जेक्ट्स, बोर्ड, सभी चीज़ आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट दिया गया है, बेसिक क्वालिफिकेशन दिया है, इस पर बीएड डीएड के 100 मार्क्स जोड़े गए हैं, लास्ट ईयर एक्सपीरियंस स्कोर कार्ड 25 यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर स्कोर जनरेट हो चुका है। तो मित्रों आप भी अपने नज़दीकी सेंटर पर या अपने मोबाइल से यह जनरेट कर सकते हैं, इसका प्रिंटआउट ले सकते हैं। प्रिंटआउट लेने के लिए आप यहाँ फाइल पर जाइए। फाइल पर देखिए यहाँ पर प्रिंट लिखा हुआ है, इस प्रिंट पर जाएंगे हम। प्रिंट पर जाने के बाद में इसे प्रिंट दे देंगे तो यह स्कोर कार्ड प्रिंट हो जाएगा। मित्रों नई नई जानकारी के लिए हमारे साथ यूँ ही बने रहे। नमस्कार।